से मनाया गया नागपंचमी का पर्व मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। नागपंचमी पर्व मंगलवार को जिले में धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने भगवान शिव और नाग देवता की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं जगह जगह खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें युवा और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखा। दिन निकलने के साथ ही लोगों ने नाग देवता को दूध लावा चढ़ाकर रक्षा की कामना भी की। इसके बाद दूध लावे को पूरे घर में छिड़का गया। वहीं दूसरी तरफ गांव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोगों ने कुश्ती, कबड्डी, खो खो आदि का आनंद उठाया। सबसे पहले तो मैं श्री शिव मंदिर अहरौला में उपस्थित संपूर्ण ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, दूर दराज से आए हुए आगंतुक बंधु और पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री शिव मंदिर अहरौला परिवार एक ऐसा सामूहिक परिवार है जिसमें पुरानी परंपराओं को विगत कई वर्षों की भांति हर वर्ष मनाया जाता है और यह प्राचीन परंपरा सन 1975 से जब से स्थापित वर्ष श्री शिव मंदिर अहरौला का यहाँ प्रतियोगिता। इससे पूर्व यह परंपरा गांव के बीच सड़क पर गुड़िया पीटने की चला करती थी, लेकिन जब से यहाँ पर शिव मंदिर स्थापित हुआ, स्थापित वर्ष से लेकर के हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर यह परंपरा की और इस मंदिर के समीप विभिन्न प्रकार के पौराणिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें आयोजक बंधुओं का विशेष रूप से रुचि होती है और उस रुचि में पुरानी परंपरा जो खेल है, जैसे कबड्डी का खेल, इसमें प्रतिभागियों को उचित पुरस्कार भी दिया जाता है। लंबी कूद, ऊंची कूद और पुरानी परंपरा में एक खेल सम्मिलित है लाठी, जो हमारे पुराने कलाकार लठबाज बंधु हैं उनकी भी कौशलता का परिचय यहाँ पर लिया जाता है और माताएं बहनें गुड़िया पीटती हैं, बच्चों में अद्भुत उत्साह देखने को मिलता है। एक सवाल मेरा और है कि नाग पंचमी के बारे में बता दीजिए कि मनाया क्यों जाता है और किस कारणों से? यह पावन नाग पंचमी पर्व जो है, यह भगवान स्वयं नारायण भगवान की उत्पत्ति समझ लीजिए, या हम कलयुग के कलुष प्राणियों की सद्भावना कि आज हम लोगों को ऐसा यह पौराणिक उत्सव देखने को और मनाने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें सभी लोग अपने घर में अपने कुल देवता को और नाग देवता को दूध लावा चढ़ाने और पिलाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक घर में अद्भुत रसोई घर में सभी के माताएं बहनें अपने घरों में अच्छे अच्छे व्यंजनों का निर्माण करती हैं और अपने हित मित्र बंधुओं को सब लोग अपने यहाँ पकवान खिलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे आपसी सौहार्द सदैव के लिए एक दूसरे के मन में बनी रहे। यह नफरत की दुर्भावना को समाप्त करके आपसी सद्भावना को विकसित करने वाला यह पर्व है। इसलिए इस पावन पर्व नाग पंचमी के शुभ अवसर पर हम आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बड़ा अच्छा हुआ, हुआ। पहला कबड्डी बच्चों का हुआ, फिर दूसरा जूनियर का हुआ, फिर सीनियर का हुआ, फिर लाठी हो गया। अब ये लंबी कूद हुआ है, अब लाठी हो रहा है। इसके बाद माताएं बहनें गुड़िया पी गई। हमारा अहरौला निवासी, हमारे मित्र, ये 35 साल से प्रोग्राम हो रहा है। हम अहरौला वाले को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा साथ देते हैं, मेरा सहयोग करते हैं। जय श्री राम। इस बात का घमंड है कि हमारे ग्राम अहरौला में हमारे श्रेष्ठ अच्छे पत्रकार भी हमको धन्यवाद देते हैं, पूरा गांव वाले। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को इस पावन पर्व की। और जैसा अभी अहरौला के शिव मंदिर पर आप लोगों ने दृश्य देखा, सभी जाति वर्ण के लोग एक साथ मिल करके एक सुंदर खेल का कार्यक्रम कर रहे थे। ये निरंतर होता रहे तो हमारी सामाजिक एकता बढ़ती है, सौहार्द बढ़ता है, आपसी प्रेम बढ़ता है और इस राष्ट्र की जो गौरवशाली परंपरा है वो आगे बढ़ती है। और यहाँ शिव शंकर मंदिर अहरौला बाजार के अहरौला के
तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस परंपरा को लगभग 35 वर्षों से जीवित रखा है। हम बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। पुरानी संस्कृत रही है, गांव ग्रामीण में देखने को मिलता था कि लोग सुबह से लेकर शाम तक उत्सव मनाते थे, उसमें कुछ कमी आई है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से जो भौतिक बात बढ़ता गया है तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं शिथिल होती चली गई हैं। लेकिन इधर कुछ समय से भारतीयता और राष्ट्रीयता का उभार बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग अपने पर्वों की ओर वापस आ रहे हैं, अपने देश और संस्कृति की ओर वापस आ रहे हैं, और जो यह क्रम चलता रहेगा, हम समझते हैं भारत अपने पुनः उसी गौरवशाली संस्कृति का भारत होगा जो विश्व गुरु हुआ था। योगी जी का शासन निश्चित रूप से अनुकरणीय है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों की सरकारों में इस प्रकार के न्यायोचित व्यवस्था की मांग हो रही है, और जब से माननीय योगी जी का आना हुआ है, हम सब लोग अवगत हैं कि कोई भी हमारा सांप्रदायिक तनाव का ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं बीता है जिसके लिए ये प्रदेश लज्जित हो या हम लोगों को लज्जित होना पड़े या किसी के जान माल के नुकसान हो। और ये तब होता है जब एक न्याय व्यवस्था होती है, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, सबके प्रति समान भाव से जब सरकार कार्य करती है, तभी ऐसा कर तो भाईचारा और एकता हमारे इस देश की परंपरा रही है। हम लोग सदैव एक साथ मिल करके रहते रहे हैं। जितनी जातियाँ, जितनी भाषाएँ, जितने प्रदेश हमारे इस देश में है, उतनी शायद ही विश्व में कहीं पर हों। और जिस प्रकार से हम सब लोग एक रस होकर के सदियों सदियों से रहते आए हैं, यदि हम अपनी परंपराओं का, अपने देश का, अपनी संस्कृति का पालन करते रहेंगे तो ये प्रेम हमारा निरंतर बढ़ता रहेगा, और किसी प्रकार की चिंता करने की बात किसी को नहीं है।